तो लगभग आज से 1460 दिन पहले की बात है, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 4 साल पहले, जब हमारे डायरेक्टर्स के डायरेक्टर दी वन एंड ओनली संजय लीला बंसाली, जिनकी एक बहुत बड़ी मूवी अनाउंस होने वाली थी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मूवी बंद हो गई थी। मतलब उस मूवी के बनने की बात चली रही थी लेकिन बात होने से पहले ही खत्म हो गई। एंड तुम्हें पता है कि उस मूवी के अंदर लीड कैरेक्टर में कौन दिखने वाले थे? हाँ, हमारे टाइगर सर। हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इसीलिए आए हो, तुम्हें ये न्यूज़ पहले से पता है लेकिन फिर भी तुम जानने तो आए हो, और तुम मुझसे भी तो बहुत प्यार करते हो इसलिए तुम वीडियो देखने आए हो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। तो देखो बात ऐसी है कि अभी फिर से न्यूज आने लगी है कि संजय लीला बंसाली और टाइगर श्रॉफ फिर से एक साथ काम करने वाले हैं। मेरा मतलब है इस बार तो मूवी बना ही लेंगे, और इससे रिलेटेड अभी हमें कुछ ही टाइम में न्यूज सुनने को मिली जाएगी, मतलब ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली कंफर्म वाली न्यूज। अभी रूमर्स तब से फैलने लगे हैं जब से टाइगर श्रॉफ को स्पॉट किया गया SLB के घर के बाहर, सॉरी वो ऑफिस था। लेकिन जो भी हो, मैं जल्दी ये मूवी देखने को जरूर मिलेगी, मतलब इस मूवी की अनाउंसमेंट। अब हालांकि ये मूवी किस टाइप की होने वाली है इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हम फैंस अगर यहाँ पे प्रेडिक्ट करने लग गए तो हो सकता है हम शायद इसका अंदाजा लगा ले, मतलब जैसे थोड़ा सा मैंने लगा लिया। अब देखो SLB की पुरानी मूवीज को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक प्रेम पुजारी है जो कि अपनी प्रेमिका को अपनी बात बताना चाहते हैं, मतलब उनके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, जो कि उनका काट कर चली गई। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, सॉरी अभी इतना ज्यादा भी सच नहीं बोलना था। लेकिन हाँ, उनकी ज्यादातर मूवीज जो कि लव स्टोरी के ऊपर बेस रहती है, एंड फॉर श्योर हमें टाइगर श्रॉफ भी एक लव स्टोरी मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड इस मूवी की हाइप ज्यादा है, एंड फॉर श्योर हमें ये मूवी देखने को जरूर मिलेगी। संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर को अगर टाइगर श्रॉफ जैसा एक्टर मिल जाए, और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर को संजय लीला बंसाली जैसा डायरेक्टर, तो भाई क्या ही जोरदार मूवी बनेगी। हाँ वैसे इन दोनों बातों का मीनिंग एक ही है। खैर छोड़ो, फिर भी टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर को अच्छा डायरेक्टर कभी नहीं मिलता है। कभी बागी 4 की बात करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, हम बागी 4 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखो संजय लीला बंसाली की पुरानी मूवीज पे आ जाते हैं। मुझे पता है कि तुम में से काफी सारे जने अभी भी कंफ्यूज हैं कि संजय लीला बंसाली किस टाइप की मूवीज डायरेक्ट करते हैं। हाँ ज्यादा खुश मत हो, ऐसी वैसी मूवीज नहीं डायरेक्ट करते हैं वो। उन्होंने देवदास, हम दिल दे चुके सनम, रामलीला बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है, और हमारे भाईजान के साथ में ऐसी उन्होंने कई मूवीज को डायरेक्ट किया है, तो अब इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि उनका कितनी बार कटा होगा। क्या बोला तूने? तो होप सो तुम्हें अब ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और तुम्हें इस वीडियो में कितना ज्यादा मजा आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करूं, मतलब मेरी रोस्टिंग स्किल्स को।